हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ फर्स्ट लेक्चर ऑफ साइंस चैप्टर 3 क्लास 3। वर्ड्स आवर फ्लाइंग फ्रेंड्स, पक्षी हमारे उड़ने वाले दोस्त। इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट बॉडी ऑफ वर्ड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड, हाउ वर्ड्स फ्लाई, क्लॉज एंड नेस्ट ऑफ वर्ड। वर्ड्स की बॉडी कैसी होती है, डिफरेंट टाइप की वर्ड क्या होती हैं, पक्षी कैसे उड़ते हैं, वर्ड कैसे उड़ती हैं और उनके क्या कहते हैं पंजे और घोंसले कैसे हैं उनके, उनके बारे में हम जानेंगे। तो पापा, वाई आर यू फीडिंग द वर्ड्स, तो ये पूछ रहे हैं कि पापा आप चिड़ियों को दाना क्यों डाल रहे हैं, उनको क्यों खिला रहे हैं। इट इज़ अ वेरी गुड हैबिट टू फीड एनिमल्स अराउंड अस, ये बहुत अच्छी आदत होती है हमारे आसपास जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनको हम खाना खिलाएं। आई डू सो बिकॉज इट गिव्स माई हैप्पीनेस, मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि ये मुझे खुशी देते हैं। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनके नेम आपको अपनी बुक में फिल करने होंगे। वर्ड्स आर वेरी ब्यूटिफुल एंड साई क्रीचर्स, पक्षी जो होते हैं बहुत सुंदर और शर्मीले स्वभाव के प्राणी होते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर, वे विभिन्न आकार के और कलर्स के रंगों के होते हैं। दे आर द ओनली एनिमल विद फीदर्स ऑन देयर बॉडी, ये ऐसे एक मात्र प्राणी हैं, जीव हैं जिनके क्या होते हैं शरीर पर पंख होते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ वर्ड, पक्षी के लक्षण, उनके क्या लक्षण होते हैं, क्या उनमें गुण पाए जाते हैं। अ वर्ड हैज़ अ स्ट्रीमलाइन बॉडी विच हेल्प्स इट टू कट थ्रू द एयर, तो जो पक्षी होते हैं उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी, स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब नाव के आकार की, मतलब आगे से कैसी होगी, ऐसे पतली होगी, फिर चौड़ी होगी, फिर ऐसे होगी। तो आगे से जो पतली होती है फिर आगे पीछे से और बीच में चौड़ी, उसे स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं। तो इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती ताकि ये हवा में तेज़ी से उड़ सकें। वर्ड हैव विंग्स विच आर अटैच टू द बॉडी विद द हेल्प ऑफ मसल्स, जो वर्ड होती हैं उनके जो पंख होते हैं वो उनकी बॉडी से मसल्स के द्वारा अटैच होती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कई सारी वर्ड्स थी, वो जो वर्ड दिए इनके कई सारे पार्ट दिए कि क्या होते हैं, क्लॉस है, नेक, एब्डोमिन, बीक यानी चोंच, आई, विंग्स, फ्लाइट फीदर और ये टेल। वर्ड हैव फीदर ऑन देयर बॉडी, फीचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, तो जो पक्षी होते हैं उनके शरीर पे पंख पाए जाते हैं उसके आधार पे क्या है वो दो प्रकार के, एक डाउन फीदर्स विच कवर द बॉडी टू कीप इट वार्म। डाउन फीदर क्या होते हैं, जो पूरी बॉडी को कवर करते हैं जिससे कि पक्षी गर्म बने रहते हैं, उनमें गर्मी बनी रहती है। दूसरे हैं फ्लाइट फीदर्स विच हेल्प द वर्ड्स टू फ्लाई, तो फ्लाइट फीदर्स क्या करते हैं, पक्षी को उड़ने में हेल्प करते हैं। वर्ड हैव हॉलो बोन्स फिल्ड विद एयर, जो पक्षी होते हैं उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो खोखली होती हैं और हवा से भरी रहती हैं। इट मेक्स देयर बॉडी लाइट इन वेट एंड हेल्प देम टू फ्लाई ईजली, इससे क्या होता है कि उनके शरीर जो होता है वो हल्का हो जाता है और इन्हें उड़ने में आसानी रहती है। एवरीथिंग अबाउट वर्ड्स इज़ फास्ट, हर एक चीज़ जो वर्ड के लिए होती है वो फास्ट होती है। देयर ब्रीथिंग, हार्ट बीट एंड बॉडी टेम्परेचर इज क्वाइट हायर देन अदर ऑर्गेनिज्म, तो उनकी जो सांस लेने की रेट होती है, हार्ट बीट होती है, उनके दिल की धड़कन होती है और बॉडी टेम्परेचर भी होता है वह दूसरे जीवों से हाई होता है यानी ज़्यादा होता है। हाउ वर्ड फ्लाई, पक्षी कैसे उड़ते हैं, द फ्लाइट फीदर्स, फ्लाइट मसल्स, हॉलो बोन्स एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी सेव हेल्प द वर्ड टू फ्लाई ईजली, तो उनके क्या होते हैं फ्लाइट फीदर जो उड़ने वाले पंख होते हैं, फ्लाइट मसल्स होती हैं और उनकी खोखली हड्डियाँ और स्ट्रीमलाइन बॉडी जो है वो उनको उड़ने में हेल्प करती है, पक्षी आसानी से उड़ सकते हैं। अ वर्ड फ्लाई बाई मूविंग इट्स विंग अप एंड डाउन, तो पक्षी अपने पंखों को ऊपर और नीचे हिला करके उड़ते हैं। द अपवर्ड मूवमेंट इज़ कॉल्ड अप स्ट्रोक एंड द डाउनवर्ड मूवमेंट इज़ कॉल्ड डाउन स्ट्रोक, तो जो ऊपर की तरफ पंख जाते हैं जैसे ये है तो इसे बोलते हैं अप स्ट्रोक और नीचे की ओर आ रहे हैं इसे डाउन स्ट्रोक कहते हैं। द कंटिन्यूस फ्लैपिंग ऑफ विंग्स मूव्स द बॉडी ऑफ बर्ड फॉरवर्ड, तो लगातार पंखों के हिलाने की वजह से पक्षी का शरीर आगे की ओर जाता है। द टेल इज़ यूज टू चेंज डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग, और जो उनकी पूँछ होती है वो किस में हेल्प करती है कि जब वो उनकी उड़ते समय दिशा बदलने में यानी वो अपने डायरेक्शंस को बदल सकते हैं उड़ते समय, तो वो उनमें कौन हेल्प कर रहा है, उनकी पूँछ हेल्प करती है। तो आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि टाइप्स ऑफ बीक क्या होती हैं, उनकी चोंच कितने प्रकार की होती हैं।